बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन बेहद महत्वपूर्ण इस दिन को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लोगों को भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, इससे उन्हें ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा प्राप्त होती है। वहीं इस दिन को लेकर शास्त्र में कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आइए उन बारे में जानते हैं, जो इस प्रकार है। सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को सोना नहीं चाहिए, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस दौरान आपको खाना पकाने या खाना खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस अवधि में देवी देवताओं को छूना या पूजा करना वर्जित माना गया है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर जाने से या ऐसा कुछ करने से भी बचना चाहिए। उन्हें सूर्य के संपर्क में लाएं, ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद सभी को अपने घर की सफाई करनी चाहिए और स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते रखने चाहिए। ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ग्रहण के दौरान खुली आंखों से सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन बनाने और खाने से जीवन में अशुभता आती है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों का इस्तेमाल करना भी वर्जित होता है।